मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में महाराज जी का एक मंदिर है, हनुमान सेत मंदिर, और उसके साथ ही एक और मंदिर है जिसे हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन हनुमान सेत मंदिर। ये नाम मैंने इसलिए दिया है इसको कि मंदिर तो वहाँ संकट मोचन मंदिर के नाम से भी वहाँ पर जो विग्रह स्थापित है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर गोमती नदी के किनारे पास पास में दो मंदिर क्यों बन गए। एक मंदिर बना हुआ था और उसके पास में दूसरा मंदिर और बना जिसे हम लोग हनुमान सेत मंदिर के नाम से जानते हैं। तो एक संक्षिप्त रूप में मैंने इसकी कथा आपको सुनाई थी पहले, लेकिन आज हम विस्तृत रूप से आपको हनुमान सेत मंदिर और प्राचीन हनुमान सेत मंदिर के बारे में बताएंगे। ये गोमती नदी के किनारे है और महाराज जी जब लखनऊ जाया करते थे तो गोमती नदी के किनारे रहा करते थे। एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर रहते थे, लोगों से मिला करते थे। वहाँ पर इलाहाबाद से एक प्रयागराज, अब जिनका नाम है, वहाँ से एक प्रोफेसर हैं, उनका एक फोन आया था, बोले साहब हम उस समय लखनऊ में पढ़ा करते थे और बैग टाक के जब जाते थे उधर से तो महाराज जी के हाथों प्रसाद मिला करता था। तो ऐसी यादें भी हैं भक्तों की जो महाराज जी के वहाँ पर दर्शन किए हैं। और वहाँ पर एक पांडे साहब हैं, आजकल पुजारी हैं, पूर्व या मैं कहूँ प्राचीन हनुमान सेत मंदिर से ही आप उसे जान पाएंगे। तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी यादें ताज़ा की हैं, हम लोगों से साझा की हैं। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि प्राचीन मंदिर जो है और जो नया मंदिर बना है, इनकी पृष्ठभूमि कैसे पड़ी। महाराज जी वहाँ पर गोमती नदी के किनारे जहाँ रहते थे वो नगर पालिका की जगह थी। नगर पालिका समझते ना, जो नगर पंचायत प्रधान की जगह, ग्राम पंचायत की जगह जो होती है वो नगर पालिका की जगह थी। और नगर पालिका की जगह है, अगर आप उसमें कोई काम करना चाहते हैं, कुछ रहना चाहते हैं, तो आपको आवंटित करानी पड़ेगी, है ना। महाराज जी ने आवंटित नहीं कराई, वहाँ भाई मंदिर था छोटा सा, वहीं पर महाराज जी बैठने लगे। अब वो जगह जहाँ पर बिल्कुल गोमती नदी के किनारे है, हनुमान जी की वहाँ स्थापना कर दी और मंदिर बन गया। और आपको बता दूं कि मंदिर बनता है तो धूमधाम से आयोजन होता है, कोई विग्रह की स्थापना होती है तो धूमधाम से होती है। महाराज जी ने सब कुछ ऐसे ही साधा कर दिया। महाराज जी के पास भक्त आते थे तो सब कुछ सही चल रहा था। इधर जहाँ मंदिर बना हुआ है, गोमती की धारा उधर से, जो जब मंदिर बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा, तो धारा में थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो वहीं पर मोती महल है, तो उसकी सुरक्षा को, धारा से उसकी सुरक्षा को, जैसा वहाँ के लोगों ने बताया या उस समय के विशेषज्ञों ने बताया कि इस मोती महल की जो बिल्डिंग है इसको खतरा है, अब उन्हें क्या करना चाहिए कि जो मंदिर बना है ये जो इसको तोड़वा देना चाहिए। नगर पालिका एक्शन में आ गई, उन्होंने कहा ठीक है साहब इसको हटा दीजिएगा। उत्तर बात आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश सरकार भी विरोध में आ गई, मुख्यमंत्री स्तर पर काम हुआ और ये फाइनल हो गया कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। महाराज जी ने कहा मंदिर तो नहीं टूटेगा। अब नगर पालिका की जगह है, वहां मंदिर बना हुआ है, वो तोड़ने को राजी है, उत्तर प्रदेश सरकार तोड़ने को राजी है, महाराज जी का मंदिर नहीं टूटेगा। अब देखिए एक संत की वाणी है
और दूसरी तरफ सत्ता की ताकत है। बहरहाल जनता से विरोध हुआ और सरकार ने एक समझौता किया। सरकार ने यह समझौता किया कि ऐसा करिएगा कि महाराज जी आप अपना मंदिर थोड़ा सा हटके बना लीजिएगा, भाई हम आपको जगह भी दे रहे हैं, हम आपको 25,000 रुपया भी दे रहे हैं। 25,000 रुपये की धनराशि उस समय बहुत बड़ी धनराशि होती थी। तो ये सन 65 से 67 के बीच का मामला है। तो वो 25,000 रुपये की धनराशि और जगह, महाराज जी ने कहा ठीक है दीजिएगा। अब बनवाए कौन, तो एक और महाराज जी की लीला हुई। उस समय वहां पर पुल बन रहा था गोमती पर। वो पुल, जब पुल बनेगा नीचे से पिलर यानी गोल खंभे जो होते हैं जहां धारा बहती है नीचे से लेंगे तब उसके ऊपर ही पुल बनेगा। तो जैसे ही पुल वो बना के खड़ा करते थे तो वो ढह जाते थे, रुक ही नहीं रहे थे। ठेकेदार बहुत परेशान था क्योंकि भाई लागत लगी और खत्म, आपको पैसा तभी मिलेगा जब वो बनके तैयार हो जाएगा। वो परेशान हुए। कुछ लोगों ने उनको सुझाव दिया। SV जोशी थे महाराष्ट्र की कंपनी के, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंपनी थी तो उसके जो मालिक थे वो SV जोशी थे। तो जोशी साहब से ये कहा गया कि आप यहाँ पर महाराज जी रहते हैं बाबा नीम करोरी और उनसे आप मिल लीजिएगा। SV जोशी साहब महाराज जी की शरण में पहुंचे जाके उनने अपना निवेदन किया। महाराज जी ने कहा कि तू एक मंदिर बनवा दे, मंदिर बनवा देगा तो पुल बन जाएगा। तो जब महाराज जी का ये आदेश हुआ, जोशी साहब ने कहा ठीक है साहब हम मंदिर बनवा देंगे। महाराज जी ने कहा वो 25,000 रुपये जो मिल रहे हैं वो भी तू ले ले। उसने कहा ठीक है साहब बाकी का हम भी पैसा लगा देंगे, 25,000 आपका ये हो गया, जगह मिली गई, हम मंदिर बनवा देते हैं। जैसे ही उन्होंने मंदिर बनवाने का संकल्प लिया फिर उनका जो पिलर बन रहे थे वो बनने शुरू हो गए, फिर उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जोशी साहब ने बहुत ही श्रद्धा की भावना से श्रद्धानिवृत होकर वो मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया, जिसे आज हम हनुमान सेतु मंदिर के नाम से जानते हैं, नया हनुमान सेतु मंदिर। अभी महाराज जी वहीं पर हैं, पुल वहां पर बन गया है और इधर हनुमान जी का मंदिर भी बन गया है। वहाँ पर उसका शिलान्यास, उसका जो है जो भी कार्यक्रम है वहाँ, उस समय निर्माण मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में जगन प्रसाद रावत, उन्होंने उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। अब प्रश्न ये उठा कि उधर मंदिर बनके तैयार हो गया है और इधर ये पूर्व जो मंदिर है उसका मुआवजा मिल चुका है लेकिन सरकार तोड़ नहीं पाई, उसे वो जगह खाली नहीं करा पाई। महाराज जी ने मना भी नहीं किया, क्यों भाई मुआवजा भी ले चुके थे और जमीन भी मिल चुकी थी, नया मंदिर भी बन गया था। क्योंकि जनता इतनी श्रद्धानिवृत हो गई थी कि उस मंदिर को तोड़ने नहीं दिया। तोड़ने के विरोध में जब आवाजें आईं तो फिर सरकार ने ये निर्णय कर लिया कि ठीक है बना रहने दो, वो मंदिर भी और ये मंदिर भी। तो आज दोनों मंदिर पास पास हैं। उस मंदिर की जब भूमिका महाराज जी ने रची थी उस समय कहा था एक मंदिर और बनेगा जो बहुत विख्यात होगा, लोग वहां पत्र भेजेंगे, भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे और उन कष्टों को हनुमान जी दूर करेंगे। ये बाबा नीम करोरी ने संदेश दिया था और आज भी लोग हनुमान जी के नाम पत्र भेजते हैं हनुमान सेतु मंदिर के नाम, और वहां पर वो पत्र पढ़े जाते हैं, हनुमान जी सुनते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिसने पत्र भेजा उसके संकट कट जाते हैं, उसके संकट दूर हो जाते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इन्हें पत्र वाला हनुमान जी भी कहते हैं, इन्हें संकट मोचन हनुमान जी भी कहते हैं और हनुमान सेतु के नाम से तो ये प्रसिद्ध ही हैं। तो
वहाँ पर राम दरबार भी है, आज शिव परिवार भी है, महाराज जी का विग्रह स्थापित है। मैं आपको दोनों मंदिर की रूपरेखा बता रहा हूँ कि पास ही पास हैं। आप जब हनुमान सिद्ध मंदिर जाएं तो पुराने मंदिर, हम तो उसको प्राचीन नाम, आप तभी उसको जान पाएंगे कि प्राचीन हनुमान सिद्ध मंदिर में भी जाएं। आज वहाँ महाराज जी का कक्ष है, आप उसका चित्र भी देख सकते हैं, चित्र आ रहा है। वहाँ पर महाराज जी का विग्रह है, उसका चित्र भी आप दिखा दीजिएगा। महाराज जी का जो वहाँ पर विग्रह हनुमान जी का जो स्थापित किया गया था, उनके भी आप दर्शन कर लीजिएगा। ये पुराने यानी प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर, तो आप देखिए महाराज जी की लीला कि न तो वो मंदिर टूटा और एक नया मंदिर और बन गया। सरकार विपक्ष में थी, सत्ता विपक्ष में थी कि किसी भी तरह इसको जगह खाली करा दें, और महाराज जी की लीला है, दोनों मंदिर आज आपके बीच में है। जहां पर आज मंदिर बना हुआ है, जो पुराना वाला मंदिर है, वहां पर धोबी घाट था। आपको बता दें धोबी घाट आप समझते हैं ना, बहुत कम लोग जानते हैं। ये परंपरा अब हट गई है समाज से लगभग। पहले कपड़े, अब तो आजकल वाशिंग मशीन है, पहले कपड़े हुआ करते थे घर में, और वहाँ पर एक दिवाकर वर्ग यानी धोबी वर्ग, एक जात विशेष, काम के हिसाब से जाते हैं, जात कोई अलग नहीं है, क्योंकि जैसा ब्राह्मण में ब्लड है वैसे ही ठाकुर में है, वैसे ही धोबी में, वैसे ही हर धर्म के मुसलमान में भी है, ब्लड वही है, लेकिन काम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से लोगों ने विभेद कर दिए। तो इसी तरह से धोबी जो एक जात है, तो वो कपड़े धोने का काम करती थी। तो क्या होता था कि एक पत्थर होता, पत्थर रखे थे ना, और उस पर कपड़े ले गए आपके, वहाँ पानी में डाले और उस पर पटके ऐसे तरह से, और फिर पानी में किया, पानी वहाँ तो गोमती का बही रहा, उसमें किया और कपड़े आपके सुबह के आपको दे दिए थे। तो उसको कई लोग जहाँ ऐसा काम करने लगे तो उसे घाट कहते थे। तो ये पूर्व या प्राचीन हनुमान सिद्ध मंदिर है, तो यहाँ पूर्व में काम धोबी घाट का हुआ करता था, अब नहीं होता है। लेकिन आज जैसा मुझे बताया गया, प्राचीन जो हनुमान सेतु मंदिर है, वो उसकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, वहाँ समस्याएं हैं। तो मैं आप लोगों से, दस्तक मीडिया के परिवार की तरफ से आपसे एक निवेदन करूँगा कि जहाँ महाराज जी का कच्छ है, जहाँ महाराज जी ने प्रवास किया है, दोनों जगह है। मैं आपको ये बता दूँ कि हनुमान सेतु मंदिर भी भैया जो है उन्हीं के द्वारा निर्माणित, लेकिन जो पूर्व में है उसके भी दर्शन करने जाएं, और वहाँ की कोई जो अव्यवस्थाएं लगें तो उसमें व्यवस्था कराने में आप सहयोग दें। हम तो दस्तक मीडिया की तरफ से आपसे विशेष निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे परिसर को भी अच्छी तरह से एक भव्य रूप में हम लोग देख सकें, ऐसी हमारी इच्छा है। और प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर, नया हनुमान सेतु मंदिर, हनुमान सेतु मंदिर की जो स्थापना हुई है वो 26 जनवरी 1967 को हुई है। 26 जनवरी 1967 से और अब तक प्रतिवर्ष, आप जानते हो ना गणतंत्र दिवस है हमारा, और गणतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जाता है, हनुमान सेतु मंदिर में भी वो स्थापना दिवस 26 जनवरी को बड़े धूमधाम से हर वर्ष होता है। तो एक विशेष बात और बता दूं मैं कि हनुमान सेतु मंदिर जो नया बना हुआ है वो त्रिभुजाकार में है। आप सड़क से निकलते जा रहे हैं, आपका लक्ष्य नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे, लेकिन हनुमान जी आपको सड़क से ही दर्शन दे देते हैं। सड़क से आप उनकी तरफ निगाह करेंगे, दर्शन हो जाएंगे। देखिए ना, समय बचा, आपने प्लान नहीं किया, देवता आपके पास आ गए, है ना, तो ये अच्छी बात है। तो हनुमान सेतु मंदिर के जब भी आप दर्शन करें तो निश्चित रूप से इस इतिहास को याद करते हुए, इतिहास के पृष्ठभूमि में जो एक मंदिर पीछे चला गया है उसको आगे लाना है, ये हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को केवल इसलिए हम उसको और ज़्यादा बढ़ाएं कि महाराज जी का वहाँ कच्छ है, महाराज जी का विग्रह है, हनुमान जी हैं। और मैं जब हनुमान सेतु मंदिर की बात करें, हनुमान सेतु की बात करें, तो उस प्राचीन हनुमान सेतु मंदिर को भी याद करें। दोनों मंदिरों को महाराज जी ने सुरक्षित रखा है,
तो हमारा आपका नैतिक दायित्व है कि उसे हम लोग अच्छी तरह से पल्लवित करें, उसका पोषण करें एक तरह से, है ना। चलिए इसी आशा के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। मंदिर की श्रृंखलाओं में हम आपको शिमला में है, धारचूला में है, नीम करोरी में है, वृंदावन में है, ऋषिकेश में, ये जो मंदिर बने हुए हैं इन सब मंदिरों के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत लोगों ने हमसे कहा था, बहुत लोगों ने लिख के भेजा कि मंदिरों के बारे में बताइए, तो ये श्रृंखला आपको प्रस्तुत है दस्तक मीडिया की तरफ से। अगले मंदिर में जाने के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।